नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे। मैं एक पिक्चर को ले लेता हूँ। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में आपको पिक्चर इफेक्ट का सारा चीज़ को मैंने बता दिया था। आज हम लोग सीखेंगे पिक्चर लेआउट। तो चलिए, मैं पिक्चर लेआउट पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। और जैसे मैं पिक्चर लेआउट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर देखिए दो टैब ओपन हुआ, एक डिजाइन एक फॉर्मेट का। तो सबसे पहले डिजाइन के बारे में समझेंगे, उसके बाद फॉर्मेट के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर से एक डिज़ाइन को चूज किया, यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन हैं, तो आपके मन के हिसाब से कैसा डिजाइन चाहते हैं, एक डिजाइन को आप समझ लीजिएगा, तो बाद में उसका डिजाइन का शेप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं एक ही डिजाइन का आप लिया हूँ, जिसका फर्स्ट में आता है ऐड शेप। अगर यहाँ पर एक और ऐसा डिजाइन चाहिए, एक और फोटो चाहिए, ये क्या है, ग्राफ है, ये कहीं प्रोजेक्ट बनाने में काम आता है, ठीक है ना। जैसे हमको एक और चाहिए, किसी का फोटो, किसी का और टेक्स्ट निकलने को चाहिए, तो यहाँ पर ऐड शेप पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ऐड शेप पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर दो आ गया, और चाहते हैं तो और भी क्लिक कर सकते हैं। हम तीन गो केस से समझेंगे, उसके बाद अपने इच्छा अनुसार और हम बड़ा को भी समझेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अच्छा लगेगा समझाने में, और इसको उठा के यहाँ पर इसे रख देंगे। चलिए, अभी डिजाइन इसे क्या करते हैं, ऐड सेव कर सकते हैं, मतलब ऐड इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए ऐड और ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से जितना ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है ना। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा ऐड इसमें आपको जुटते जाएगा, जितना आपको ऐड लेना है, देखना इस तरह से। तो हम लोग को इतना का जरूरत नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ को डिलीट करते चल जाते हैं। क्लिक करके आपको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे तीन ही शेप आपको समझा देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टैक्स पेन क्या है, चलिए पहले ऊपर से चलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फोटो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से पिक्चर फ्रॉम फाइल में जाएंगे। अगर आपको नेट कनेक्ट है तो यहाँ से डायरेक्ट पिक्चर ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको सोशल साइट से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्लिक करूँगा, अपने कंप्यूटर से मैं ले रहा हूँ पिक्चर। तो यहाँ पर मैंने पिक्चर क्लिक किया, और यहाँ पर भी डबल क्लिक करके एक और पिक्चर को मैंने ले लेता हूँ। तीन पिक्चर की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तीन को सेव लिया, ऐसे तीन पिक्चर की मुझे जरूरत पड़ रही है, ठीक है। जैसे तीन पिक्चर मैंने ले लिया, देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर इसका आप कुछ नाम वगैरह भी लिख सकते हैं, जो भी इसका नाम है इस तरह से। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए इस पर नाम लिखेंगे, और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो इसका नाम लिखिएगा, तीनों का मैंने नाम लिख दिया हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं अगर, तो इसी में एक और आपको नीचे जोड़ने के लिए कुछ आपको मिल जाएगा, आप इसमें भी कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप इसके नीचे भी आप जोड़ना चाहते जोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या करता है, देखिएगा इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ से एक और आपको करेगा प्रमोट, यहाँ से डी हटाएंगे भी करेंगे हटाएंगे, ठीक है। इसे क्या करता है, राइट टू लेफ्ट, इधर उधर आपको करता है, इधर करने का मन है तो आप इसको कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये आपको हाईलाइट हो रहा है, यहाँ से भी आप मूव इससे भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर आपको समझ में आ गया दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करते जाइएगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिए।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हम शेप लिए हैं इसमें से हमें कोई शेप पसंद नहीं आया है तो यहाँ से चेंजिंग भी हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ से चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसमें से कोई भी डिज़ाइन कोई भी शेप आप इसको आप ले सकते हैं, कोई भी शेप जो भी आपको शेप पसंद है इसमें आपको ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर चेंज कलर, अब हमको ये ऐसा कलर में नहीं चाहिए, यहाँ पर आके कोई भी शेप चेंज कर सकते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में बहुत ही काम आता है, इसे कोई चेंजिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसको हटा भी सकते हैं लेकिन भी हटाएंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए आपको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत से आप डिजाइन एक तरह से बना सकते हैं। ऐसा डिजाइन हमको फोटोशॉप में बनाने में बहुत घंटों बीत जाएगा। तो यहाँ पर टोटल कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रीसेट ग्राफिक्स पर क्लिक कर देते हैं तो ये आपको पहले जैसा ही आपको हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया करूँगा, देखिए पहले जो भी इसमें आप अप्लाई किए थे वो आपको ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग डिज़ाइन को समझ लिए, अब हम आते हैं फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट में इसमें एक और छूट गया, अगर आपको इसको यहाँ से हट जाता है तो यहाँ पर टेक्स्ट पेन पर क्लिक कीजिएगा तो फिर वापस ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, अब फॉर्मेट में आ जाते हैं। चलिए उसको अभी रख लेते हैं, फिर कुछ समझाने में काम आएगा। फॉर्मेट में यहाँ पर क्लिक करते हैं, किसी पर क्लिक किए, ठीक है ना, इस पर क्लिक किए। अब देखिए यहाँ पर आने के बाद देखिएगा इस पर क्लिक किए चेंज शेप, यहाँ पर जो ई जो शेप है इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक किए देखिए दिल के आकार की तरह हो गया आप, और यहाँ से इसको ई अच्छा दिल नहीं लगा तो यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं इसको, यहाँ से देखिए ऐसे कर सकते हैं तो घटेगा, ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ये शेप आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई और शेप यहाँ से आप बदल भी सकते हैं, जो भी आपको शेप पसंद है तो दिल का हो गया, और कोई शेप इस तरह से भी ले सकते हैं जो भी आपका मन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं, शेप पसंद आ गया यहाँ पर आते हैं, देखिए इसे आपको लार्ज छोटा शेप को लार्ज छोटा कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए इसमें सब में अप्लाई होगा, इन्हीं पे से एक ही चीज़ में अप्लाई होगा, इसमें क्लिक कीजिएगा देखिए ऐसा भी अप्लाई हो जाएगा, अलग अलग भी आपको डिजाइन वगैरह बना सकते हैं, देखिए ऐसा अप्लाई हो जाएगा। इसमें भी चेंज कर लेते हैं कोई और शेप, इस तरह से अप्लाई कर देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा इसका आप इस तरह से फिल कर सकते हैं, इसका यहाँ से इस तरह से फिल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से फिल कर सकते हैं, ठीक है, ये समझ गया मैं। उसके बाद यहाँ पर फिल आते हैं, अगर इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया तो आपको यहाँ पर आप जिस पर सेलेक्ट क्लिक कीजिएगा, इस पर सेलेक्ट है भी तो आपको यहाँ पर इसमें से कोई भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसी के नीचे आएंगे हम लोग तो मोर फिल, यहाँ से कोई अपना कलर ले सकते हैं। वहीं से आएंगे तो यहाँ से आपको इसके अंदर पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, फ्रॉम फाइल में गए और इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट कर देते हैं, ये देखिए इसके अंदर पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। और इसके अंदर आप चलते हैं क्या ऑप्शन है, ग्रेडियंट ऐसा लगा सकते हैं, इसके अंदर ग्रेडियंट कोई ग्रेडियंट इसके अंदर दे सकते हैं। उसी के नीचे जाएंगे तो ग्रेडिंग नीचे आएगा मोर ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो मोर ग्रेडियंट के बाद में ये आपको पहले भी आपको मैं बता दिया था, लेकिन यहाँ पर से भी ग्रेडियंट चूज कर लेंगे और यहाँ से भी चूज कर लेंगे और यहाँ से जैसे फोकस भी कर लेंगे। इसमें भी आपको तीन कलर आपको यहाँ से रेड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्लू इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इस तरह से ब्लू, देखिए ग्रेडियंट का पूरा कम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ग्रेडियंट का ट्रांसपेरेंसी चेक कर सकते हैं। चलिए तो ये आपको मैं हो गया ग्रेडियंट भी आप समझ लिए, टेक्सचर यहाँ से आपको टेक्सचर भी आप डाल सकते हैं, ये तो आपको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसका आउटलाइन, ठीक है, इस पर क्लिक कर रहे हैं। अब इसके यहाँ आउटलाइन, तो आउटलाइन के लिए मैं इसका एक कलर रख लेता हूँ, जिस पर क्लिक कीजिएगा उस पर आएगा। आउटलाइन के बारे में भी सब चीज पहले से मैं बता रखा हूँ, आउटलाइन के मोटाई वोटाई कर सकते हैं, आउटलाइन के एरो तीर के निशान कर सकते हैं, एरो टाइप के क्लिक कीजिएगा। अब आते हैं पिक्चर इफेक्ट
पिछले वीडियो में पिक्चर इफेक्ट के बारे में सारा ऑप्शन को मैंने बताया है, ठीक है ना। टोटल ऑप्शन के बारे में इसमें आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो पिक्चर इफेक्ट का बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जिस पर रखना चाहते हैं रख सकते हैं। देखिए पिक्चर इफेक्ट, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, कितना ब्लर चाहिए सब भी आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। पिक्चर इफेक्ट में जो भी रखना चाहते हैं, ग्लो वगैरह यहाँ पर बहुत सारे हैं, शेडो में है, यह भी शेडो था, ठीक ना। ये आपको रिफ्लेक्शन नीचे से परछाई देता है, ये ग्लो है, चमक देता है, सॉफ्ट ऐसा थोड़ा हल्का सा धुंधला कर देगा, देखते जाइए। बेबल में थोड़ा सा और ऊपर की तरफ उठाने का काम करता है, 3D में आपको रोटेट करेगा इस तरह से। इसमें अपना हम लोग सेप बना रहे हैं, नहीं चाहिए तो नो कर देंगे, जब हो गया। अब आते देखिए ये आपको फॉन्ट, इस पर जो फॉन्ट का असर इस पर आपको पड़ेगा, ये फॉन्ट का इसमें से कोई पसंद नहीं है, इस पर जो जो आप लिखा हो इस पर आपको इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ध्यान से देखते जाइए। जो आप इस पर लिखे हुए हैं ना, इस पर आपको इफेक्ट पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है। फॉन्ट को भी समझ लें हम लोग, नेक्स्ट पे क्लिक करें। टैक्स फील पर आ गए हैं, रेड इस तरह से। टैक्स फील को हम लोग बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि इसको बड़ी की हमको जो पड़ रही है तब आपको समझाने में अच्छा होगा। यहाँ से खींच के इसको बड़ा करते हैं, इसको इधर हटा देते हैं, चलिए बड़ा कर लिए, क्योंकि बड़ा करके मुझे दिखाने में अच्छा होता है। तो टैक्स को मैंने बड़ा करना है मुझे, क्योंकि टैक्स पर इफेक्ट हमको आपको दिखलाना है, ठीक है। तो टैक्स को मैंने सिर्फ बड़ा कर लिया है, ठीक है। टैक्स को बड़ा फॉर्मेट में आते हैं, अब देखिए टैक्स फील, सबसे पहले इसको क्या करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए टैक्स फील, इसमें से कोई भी टैक्स फिल कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो कलर, ठीक है ना। हम तो फिर मोर पर पास आ सकते हैं, मोर में से कोई भी कलर ले सकते हैं, कभी कस्टम से कोई भी कलर ले सकते हैं, ये भी सारे चीज़ मैंने आपको बताया है। टैक्स के पास, टैक्स में पिक्चर भी अंदर लगा सकते हैं, देखिए टैक्स के अंदर पिक्चर लग गया है ये। फिर टैक्स के अंदर ग्रेडियंट लगा सकते हैं, और फिर ग्रेडियंट के अंदर फिर आपको ग्रेडिंग के अंदर फिर आपको यहाँ मोर पर जाइएगा, तो फिर यहाँ पर मोर का आपको डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर से भी कुछ और इसको चेंजिंग कर सकते। टैक्स के अंदर लग रहा है, टैक्स के अंदर भी आपको 3-4 कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। रेड देखिए वहाँ पर ऐड हो रहा है, ब्लू देखिए ब्लू, और इस तरह से आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टैक्स के अंदर का टेक्सचर भी लगा सकते हैं, इसका टैक्स के अंदर तो बहुत सारा कर सकते हैं, या सिंगल कलर लगाइए, इसका टेक्स्ट में पिक्चर लगाइए, ग्रेडियंट लगाइए, टेक्सचर लगाइए, ठीक है। अब इसका आउटलाइन, टैक्स का आउटलाइन, तो टैक्स का आउटलाइन का मैंने आप एक ले लेता हूँ, पतला लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पतला लिया, आप टैक्स का आउटलाइन का कलर देखिए, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, यहाँ से कलर ले लिए। टैक्स का आउटलाइन यहाँ से थिकनेस मोटाई उटाई भी कर सकते हैं, कर लिए। उसके बाद आते हैं टैक्स, आप देखिए टैक्स शेडो, देखिए टैक्स का शेडो यहाँ पर आएगा, देखिए टैक्स का शेडो यहाँ पर दिए हैं, और टैक्स का शेडो के हम लोग यहाँ पर से नीचे आकर टैक्स का शेडो का कलर भी चेंज से कर सकते हैं। रेड आपको पता नहीं चल रहा है, हल्का हल्का पता चल रहा है, घबराइए नहीं, इसको से हम देखिए कम बेसिक करेंगे, देखिए पता चल रहा है, ठीक है ना। आप HD में देखिएगा इसका टैक्स का कलर कितना रखना चाहते हैं, एंगल कैसा रखना चाहते हैं, इस तरह से डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, देखिए ऊपर चले गए अपना आगे चल गए, ठीक है। तो टैक्स का शेडो हो गया, अब टैक्स का शेडो का हम लोग कर देते हैं नो। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन को समझते हैं,
रिफ्लेक्शन, देखिए इस तरह से समझ रहे हैं रिफ्लेक्शन, और इसको भी कर लिए। और टैक्स का रिफ्लेक्शन करके अब हम हटा देते हैं, अगला ऑप्शन समझते हैं ग्लो, देखिएगा ग्लो, ग्लो भी समझ लिए। अब आते हैं बेबल, बेबल देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरह क्या करता है आपको देख लीजिए इफेक्ट। और बेबल के बाद हम लोग चलते हैं 3D, इस तरह से इफेक्ट क्लिक करके जो भी आपको 3D पसंद पे क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा ही वो लेटर में आपको हो जाएगा। अभी मैंने क्लिक नहीं कर रहा हूँ, 3D हो गया। 3D के बाद आते हैं यहाँ पर देखिएगा आप इस तरह से गोल, इस तरह से जैसा रखना चाहते हैं यहाँ से इस तरह से क्लिक कीजिएगा तो ऐसा ही आपको शेप में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। और सभी के नीचे एक प्रॉपर्टी होता है, इसमें आप प्रॉपर्टी में अपना ढंग से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्लो पर क्लिक किया, तो ग्लो पर क्लिक किया तो इसमें से अगर ग्लो पसंद नहीं है तो इसके नीचे प्रॉपर्टी है ग्लो ऑप्शन, इसमें प्रॉपर्टी पर जाइएगा तो बस उसका आप चेंजिंग वेंजिंग सबको कर सकते हैं। सभी के नीचे प्रॉपर्टी होता है तो प्रॉपर्टी में से आप काम को उसको कर सकते हैं। सभी के नीचे प्रॉपर्टी, कोई भी करना है बेबल तो बेबल के नीचे प्रॉपर्टी मिलेगा, यहाँ से आप कुछ भी आप इफेक्ट देखिए चेंज हुआ जो भी करना चाहते हैं आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ से इससे कुछ भी आप इसमें काम को कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे देखिए स्पेस है इफेक्ट हो गया, आप इस पर क्लिक करके फिर आते हैं डिजाइन में, और हमको अभी बेबल कर दिए हैं तो नो कर देंगे, सभी में ज़्यादा के नो कर दीजिएगा तो इफेक्ट तो सारा आपको क्या आ जाएगा, जो भी इफेक्ट लगा है वो आपको ख़त्म हो जाएगा, जो जो इफेक्ट इसमें यूज हुआ है वो सबको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो इफेक्ट लगा है वो आउटलाइन से लगा था। तो अभी बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, इतना प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।